यूपी पुलिस की कार गुजारियां आए दिन तमाशे का कारण बनती हैं। एक बार फिर उसकी कार प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। योगी की पुलिस पर आरोप है कि गोरखपुर घूमने गए कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर को होटल में आईडी चेकिंग के नाम पर इतना मारा गया कि उसकी जान ले ली। बताया जाता है कि पुलिस को सिर्फ ये बात नागवार गुजरी कि उसने आधी रात में आ धमकी पुलिस की चेकिंग के तरीके पर सवाल उठा दिए थे। पूरा मामला क्या है पहले विस्तार से समझिए। दरअसल कानपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हरियाणा के रहने वाले अपने दोस्त हरदीप सिंह चौहान और प्रदीप चौहान के साथ गोरखपुर गए थे। गोरखपुर के सिकरीगंज के महादेवा बाजार निवासी उनके दोस्त चंदन सैनी और राणा प्रताप चंद ने उन्हें गोरखपुर घुमाने के लिए बुलाया था। सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे तीनों गोरखपुर पहुंचे थे और यहाँ रामगढ़ ताल इलाके में होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में ठहरे थे। चंदन और राणा प्रताप चंद ने बताया कि सोमवार की दोपहर में हम लोग भी होटल पहुंचे। दिन में रामगढ़ झील की तरफ घूमे और रात में एक ढाबे पर खाना खाने के बाद दोस्तों को होटल में छोड़कर करीब 11:30 बजे घर के लिए निकल गए। उधर हरदीप सिंह चौहान ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे रामगढ़ताल पुलिस में होटल में चेकिंग करने पहुंची। इंस्पेक्टर जैन सिंह फलमंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा के अलावा थाने की अन्य फोर्स उनके साथ में थी। होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाकर पुलिस वालों ने खुलवाया। उनके साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट भी मौजूद था। पुलिस वालों ने बोला कि चेकिंग हो रही है, सभी लोग अपनी आईडी प्रूफ दिखाओ। तीनों में हरदीप ने खुद की और साथी प्रदीप चौहान की आईडी दिखा दी, जबकि मनीष सो रहे थे। प्रदीप ने उन्हें आईडी दिखाने के बाद नींद से जगाया। इतने पर प्रदीप वहां मौजूद पुलिस वालों से सिर्फ ये बोल बैठे कि इतनी रात में चेकिंग किस बात की हो रही है, हम लोग क्या आतंकवादी हैं? सोते हुए इंसान को आप लोग उठाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरोप है, इतने पर ही योगी की पुलिस बौखला गई। आरोप यह भी है कि इंस्पेक्टर जैन सिंह और अक्षय मिश्रा ने इतनी सी बात पर उसे पीटना शुरू कर दिया। चंदन के मुताबिक हम दोनों को पीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। कुछ ही देर बाद देखा कि पुलिस वाले साथी मनीष गुप्ता को घसीटते हुए बाहर लेकर आए। वह खून से लथपथ था। इसके बाद पुलिस मनीष को अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह है। कहां से आप? मैं सर गुड़गांव हरियाणा से रहने वाला हूं। अच्छा, क्या रात में क्या हुआ, तो पूरी घटना बताइए। सर हम अपने रूम में सो रहे थे, हम तीन लोग थे, मैं और मनीष गुप्ता जी। कौन से होटल में थे? रूम नंबर 512, होटल का नाम है कृष्णा पैलेस, सामने है। क्या हुआ था पूरी घटना? तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है अपना, वो दिखाओ आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह इस तरह से। मगर सर ठीक है, आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई मैंने अपनी, दिखा दी भाई की, दिखा दी क्योंकि भाई सोया हुआ था, तो मैंने कहा यार इसको लेके डिस्टर्ब करना, मैंने इसके पर्स निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12:30 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना आप, कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, एक रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मन की आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम जैन सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उसके बाद उन्होंने गुप्ता जी को गाड़ी में डाला, और यहाँ पे कोई मानसी या मीनाक्षी हॉस्पिटल है पास में ही। तो सर जब मुझे थप्पड़ थापड़ तोड़ मारे तो मेरे हिसाब से ऐसी अब सर गन के बट से मारा अंदर सामने ही मार रहे थे। बिल्कुल सर, मेरे को तो पकड़ के बाहर ले आए थे ना, और गुप्ता जी मेरे सामने तो उन्हें थप्पड़ लग रहे थे। मेरे को मारा, मेरे को पकड़ के बाहर ले, फिर गुप्ता जी को थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं, आवाज आई एकदम से गिरने। सर 5-7 पुलिस वाले थे, सारे लोग थे, सबका नाम तो नहीं। और जब वो दोबारा आए तो सर उन्होंने अपनी नाम प्लेट भी हटा रखी थी, सब लोगों ने, पहले लग रही थी बाद में हटा रखी। बता दें कि मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार में उसके बीमार पिता और पत्नी के अलावा उसका एक 4 साल का मासूम बेटा है। मां की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस घटना की जानकारी आपको कब हुई? जानकारी मुझे कल रात ही हुई, तो मैं अपने पति से बात कर रही थी। मैंने कहा 10 मिनट में कॉल करता हूँ।
उसके बाद दुर्गेश का कॉल आया था आधे घंटे बाद, उसने बताया कि मामा का कॉल आया है और मामा कह रहे हैं कि उनको पुलिस वालों ने जबरदस्ती बहुत मारा है और खाने जबरदस्ती घसीट तब मुझे ऐसी और मारते मारते उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि खूब सारा खून बहा था। उन्हें पास ही वाले हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेके गए लेकिन वहाँ से उनको रिफर कर दिया गया, वो लोग मेडिकल कॉलेज में लेके आए। आप लोग की क्या मांगे हैं, यहाँ पे क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम इंसाफ चाहते हैं, फर्स्टली उन तीनों के खिलाफ छइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। सेकेंडली हत्या का जो हम केस उन पर दर्ज करें उस पर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्योंकि पुलिस है पूरे सबूत मिटा रही है। अभी भी हम होटल गए थे उसमें वहाँ पे भी सबूत मिटा दिए गए पूरे, तो मुझे पुलिस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। इसलिए मुझे न्याय की प्रक्रिया और छानबीन की प्रक्रिया दूसरी चाहिए। और तीसरा, मेरा 4 साल का बेटा है उसके लिए कौन अब करेगा? ये मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहती हूँ, अब मेरे बेटे के लिए कौन करेगा? क्योंकि उनके प्रशासन वाले ने हत्या कर और हत्या को छुपाया था, अब हम कहाँ जाएं? वहीं मामले ने तूल पकड़ा तो बैकफुट पर आए योगी की बेलगाम यूपी पुलिस ने जांच के बाद थाना प्रभारी समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई, वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से किस कार्य से यहाँ आए थे इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज़ इंडिया के YouTube चैनल को क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।